जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर से स्टूपिड थिंग्स पार्ट 2। तो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। बाबा तुम्हारे लिए चाचा, ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? So guys, this one time I had a management for my work and this is what happened. तो फिर ये हुआ कि कल हमें जाना है मानिकिया, ठीक है? माँ मैं मेरे मैनेजर से पूछ के बताता हूँ कि मैं फ्री हूँ कि नहीं। तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, समझे मैनेजर? So guys, this time I went to Pavna Lake camping with my friends. और वहाँ पे मतलब मैं बहुत बकचोदी किया हूँ, usual, मतलब नहीं देखा तो part 1 जाके देखो, ठीक है? तो वहाँ पे इतनी सारी बकचोदी करने के बाद कि मैं बहुत बंड हो गया था और मुझे बस जाके ये लेटना था। और मैं अंदर सोते सोते मेरे को मतलब आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, तो मैं सुना वो लोग बोल रहे थे यार ये तो फुल बंड हो गया, फुल आउट हो गया, बहुत बकचोदी किया। और मैं फिर टेंट के अंदर से जोर से चिल्ला के बोला, बादशाह कभी सोता नहीं है। एंड इट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर, बिकॉज मेरे को लोग फिर बादशाह बुलाने लगे, बट नॉट बिकॉज ऑफ गेंडा फुल, बिकॉज ऑफ दिस सीन। सो गाइज, दिस थिंग जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ वो बहुत ही खूंखार चीज़ है मेरे बारे में कि पैंडेमिक चालू है। अगर आप लड़के हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी रिलेट कर पाओगे कि नहा के मतलब तो है नहीं, क्यों पता है? आहा, 3 दिन हो चुके, नहा लो, 1 बजे पानी चले जाएगा। मॉम मैं क्यों नहाऊं? नहीं नहीं, एक रीजन दे दो। सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी करनी है, 6 फुट दूर से लोग बात करते हैं, 6 फुट तक तो मेरी बात जाएगी नहीं। और तुम्हारा बेटा एक नंबर का एक्सपर्ट है, इतने सारे परफ्यूम ला के रखा है, 100 रुपए के मिलते, स्टेशन से उठा के लाया हूँ। Oh no. मम्मी एक मिनट बात करते बात। सो गाइज, दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज, वापस हम लोग इधर बाहर गए थे। मेरा एक दोस्त है सोहल, उसके एक नंबर का दो इंसान है वो। तो पॉइंट पे आता हूँ, हम लोग गए मेरे दोस्त के फार्म हाउस और वहाँ पे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो हम लोग एक रिक्शा को हायर करते थे मोस्टली, बिकॉज कार्स वो टाइम पे थी नहीं, और हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे। सो कमिंग पिकिंग अप, गोइंग समवेयर, देन ड्रॉपिंग अस बैक वुड कॉस्ट हिम लाइक 1 ट्रिप इज 100, 2 ट्रिप्स 200 रुपीज़। हाँ करेक्ट। तो आई हैड टू रिमूव सम मनी फ्रॉम द ATM। मैं वहाँ पे गया, ATM से 300 रुपये निकाला, 300 रुपये निकाल के बैठा सोल में, पूछा कि भाई तूने कितना पैसा निकाला? मैंने बोला भाई 300 रुपये निकाला। तो बोला यार तू चूतिया है। मैंने बोला क्यों बे, हर टाइम मैं चूतिया नहीं हो सकता। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ 300 में से आना जाना तो उसको 200 देना है, 100 रुपये में क्या कुछ नहीं होगा मेरा। सो गाइज, ये थे मेरे और थोड़े स्टूपिड थिंग्स। आई हैव एब्सोल्युटली नो होप्स कि आप लोग को मेरा तीसरा पार्ट देखना है, बट अगर देखना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और क्रिटिसाइज करना भूलिए ना मत। बाय गाइज। मालूम है ना।